कभी कभी सिर्फ उस जगह पे होना और उस लम्हे को जीना, बस यही काफी होता है। पर आनंद के लिए वो सोचा ना बल के होनो मैं आगे मैं एक बीपी होने बीपी बल सिर फाड़ दो मैं लपट प्राण में बोल लेते और सिर फटोल डॉक्टर को। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 8 और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है खीर से। ये खीर इसलिए बनाई है क्योंकि चाचा लोगों के भैंस खरक जा रहे हैं। आज खरक बोले तो छप्पर में जा रहे, ठीक है, वो 7-8 महीने के लिए छप्पर में ही रहेगी। गेहूँ जौ पक गए हैं तो इसलिए गाय भैंसों को छप्पर में छोड़ दिया जाता है 6-7 महीने के लिए। उनके साथ एक आदमी प्रॉपर वहीं रहता है। अब आएंगे अक्टूबर और नवंबर में, तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, आप लोग भी एकदम मस्त हैं। और स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल संजोनी की ब्लॉग्स में और पहाड़ों की इन हसीन वादियों में। बड़ी जी डाल पानी बोड़ी पांच ने भाई सुन लिया भाई, ये मस्त वाली। और बड़ी जी हाँ सगड़े में पानी डाल दिया, अभी बड़ा ख्याल रख रही बड़ी जी इनका। बड़ी जी के ख्याल नहीं, बड़ी जी इन प्याजों का ख्याल रख रही है। और तभी उन पर बहन नहीं तो मैं तो दूध के लिए पीने वैसे चला। अरे यार देख नहीं रहा आजकल, पोल यार के पोल से पूरे हाल हो गई। अच्छा बीमार हो रही मतलब? अरे पोल ही लग रही यार भाई। हेलो कुछ गोविंद बाबू आएगो ओ भाई इधर आना। 3-3 महीने के बच्चे हो गए 250 ग्राम सारे, करे तो क्या करे धंधा पानी सारा चौपट हो। पहले तेरा धंधा चल रहा था कि एक ही बकरी के 3 दिन बच्चे हो रहे थे, और अब 3 महीने के हो गए, 3 महीने में 250 ग्राम हो रहे थे। तो होंगे ना यार, जब एक बकरी के 3 बच्चे होंगे तो 3 महीने में 250 ग्राम तो होगा। 5,000 रुपए फूट है भाई यहाँ तो। आप यार पहाड़ी वाला लंबाई नहीं नापता, वो चौड़ाई नापता। तो मतलब तुम मैंने नाप रहा उनका की 3 महीने हो गए तो 5,000 के 90 दिन काटे यार भाई। 90 दिन 90 दिन सबसे पहले हो गए था साल, पकौड़ी बना दे रहे साले की। क्या हो गया इसको? दूध नहीं है उसकी वहाँ पे साले की, काट देते हो दूध लगाओ लो ना कहीं से। अरे भाई किसको लगा दूध, एक पेड़ नहीं मिल रहा था चाय के लिए, नहीं मिल रहा आज वाले गोड़ी सब दूध खो दे गोड़ी ना। बताओ गोरल भाई। अच्छा गोड़ी दूध दे अथवरल खो दे कोई बात। अरे भाई ले रहे 250 ग्राम के बच्चे, सेल लगी है भाई साहब ने, सेल लगा रही है। सेल है 250 ग्राम 250 ग्राम सेल में आज आज। अरे बुंदा है बुंदा यारो, वो चल गो पैसे तो पैने में खाओ बैठ के। अच्छा आज खरग जाना, मतलब तुम्हारे बैंक भी खरग जाना आज कहीं जाएगी? कौन सा महीना है? मार्च एंड में चली जाती जंगल, और ठीक नवंबर एंड में आएंगी घर। नवंबर एंड में है एंड, यानी कि चैत के महीने जा रहे हैं, और चैत लास्ट चलती है और कार्तिक एंड होने पे घर आ जाते हैं ठंडी में मतलब। और भैंस अच्छी है ये, वैसे दूध तो ठीक देती है लेकिन थोड़ा लोग परेशान रहते हैं। क्यों परेशान क्यों रहते? लोगों से चिढ़ती है लोगों से भैंस चिढ़ती है भैंस। अब मेरे चाची भी चले गए खरक, छह बच्चे हो चुके हैं, सातवां अब होगा। तो तेरे को ग्राहक चाहिए मतलब? इसका ग्राहक चाहिए भाई। तो मोल तोल बोल देना भाई, मोल तोल कितना होगा यार इसका? इसका ना अक्कल का कमजोर हो जो आदमी सी मेरे को। अच्छा मतलब जो ठगड़ जो ठगड़े में आ जाए, जिसपे बल थोड़ा अकल कम हो, वो बंदा अप्लाई करेगी भैंस के लिए, जो ठगड़े में आ जाए थोड़ा। और चाचा की तैयारी भी होगी खरक की? आप आपका दिन बाद हो तुम खरक बैठ बास घर हाँ। या खरग रोड बास भाई पुराने जमाने वाला खरग नहीं रहेगी ना। ठीक सा तबियत पैंट सब ठीक में नहीं जो बड़ सो गो वेल खते रेन पे नहीं मैं फेस्टिवल वक जैसे तुम्हें कौका डॉक्टर में
के हो कुछ तकलीफ बांगाट बांगाट जैसा खाली खाली कोर में लोग खर्च है मेरे लोग पे सो खतना को मैं वक दो भी बल्कि हो मैं आगे मैं आ एक बीपी होने बहुत है बोले ओ बीपी होने बाल तो ये खेरा बाल बास बल्कि निरोन में अनेरे बास होता ना बाल तो जा जब बीपी बाल सिर फाड़ जाल में लपट प्राण में बोले ते और सिर फटोल डॉक्टर को अच्छा अन्य को कुछ ना कई दिन मना सुनो और कई दिन झट आजकल झट कमजोर भी हैं तुम आजकल तो गर्म ताबर कहीं जा पोसी मैं ठीक है भाभी जी भी तैयार होगी जंगल के लिए अच्छी पोत जाना और पास बाने जाने खोल अच्छी वो चल पोत संतोष कुछ भी ना तो दोस्तों अभी गया था मैं कान काटने, यानी कि झाड़ी है ना पगाड़ पे, सारी झाड़ी काट के आ गया, ठीक है। और धूप लग गया भयंकर वाली, ऐसी धूप लग रही थी ना भाई साहब, लोग अभी भी फिर भी खेतों में हैं, बारिश का तो कोई फिर से कोई नाम ही नहीं है। खैर अब तो आनी भी नहीं चाहिए, अगर आएगी तो फिर जो ये जौ काट रखे ना ये फिर ख़राब हो जाएंगे, जो थोड़ा बहुत बच्चा भी होगा वो फिर ख़राब हो जाएगा। तो भाई धूप तो वैसे भी लगी है और मैं जा रहा हूँ जौ काटने, क्योंकि अब स्टार्ट हो चुका है काम, और आप लोगों को कुछ दिन तक ऐसे ही काम वाली वीडियो देखने को मिलेगा, ठीक है। जो लोग खेत पे हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पे से पानी लेके जाऊँगा मैं, क्योंकि उनका फ़ोन आया था भाई मान ली पानी लेके आओ, है ना। हाँ फिर भी कितना ठंडा पानी, ये लो भाई धर्म कर रहा मैं ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद में अमृत पिलाने से क्या फायदा है ना। चाची कदर है तुम्हारा जोला नजदीक रहा तो चट का उनमें शुमो ठंड पे तुम ठंड आजकल बीमार नहीं लोग ठंड पे थे हमारा खेत में मूस लगा तो उन परदेश हो क्या खंतम आप फूंगने में बता प्रधानमंत्री कहते हैं वर्ष होते ना अच्छा तो प्रधानमंत्री लाने मुसलमान कर अच्छा तब खेती छोड़ दो मतलब
चाची का मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुंचा देना आप लोग कि हमें कुछ सुविधा मिले। चूहे ना इन्होंने खेत बर्बाद कर दिया तो प्रधानमंत्री जी को पहुंचा देना ये संदेश ताकि वो राशन दे की। राशन तो वैसे भी मिल रही है थोड़ी बहुत ना। ले बना के ना बोला बोल फरान में देखो हॉल में के क्या फायदा करंट खोजे वो तो ये दबा लेने को क्या यो खड़गोला हां चाची क्या पता तुम आप बोल सुन तुम बन जाने था बोल बोले देखो चूहा भाई साहब कैसा काट रही देख रहे हो। बस ले गया काट के ऐसे फसल बर्बाद करते लोग देख रहे हो। काट दिया काट दिया काट दिया और ले गया ऐसे बर्बाद कर रहे देख रहे हो कितने छेद कर रहे किसने कजान तू क्या नहीं जानी दात लेकर कौन जानता पड़ीगुड़ा क्या अच्छा क्या कन जाने बैठो का कुछ नहीं कोनो क्या चो काम चल भी लेने जाओ ओ सु खुट काट कुछ दे लागरे बकरो मैं गए जो कते वणते बकर 52 52 जिने 3 सिचिन 55 अनिल बकरी सेठ यू कांगड़े वेली है यू वाले भाई यू दुई ये जो परसे जो कांगड़े अच्छा अभी बोटिया से ला रखे हैं बकरियां ये वाली अभी तो पीछे से है।